अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे मानते नहीं है कि हम हिंदू थे, और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही तल्लुक है हमारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब के वाजह तौर पर आपको नजर आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। बात करने का पर्पस ये कि मौलाना तारिक जमील साहब की एक स्टेटमेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि भाई हम सारे कन्वर्टेड हैं जो इस रीजन के अंदर, पंजाब के अंदर रहते हैं स्पेशली, जितने भी राजपूत गुज्जर जो भी हैं, सारे के जो मौजूदा टाइम के अंदर सारे कन्वर्टेड हैं जो हिंदू से मुसलमान हुए। तो क्या समझते हैं आप, वाकई में मानते हैं? जी ऑब्वियसली, अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जब अराइव हुए थे यहाँ पे सिंध में 712 ईस्वी में, तो उससे पहले जो थे जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आप हिंदू ही थे। तो जो है आप कह सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंड ठीक है कि हम उससे अराइवल ऑफ जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले हम जो थे वो हिंदू हैं। अच्छा, वो जो बता रहे थे अभी मौलाना तारिक जमील साहब की एक और बात थी, उन्होंने कहा पृथ्वी मैं हमारी जो कास्ट है पृथ्वीराज चौहान, चौहान की लड़ी में से हमारे हैं। वो बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे, वो है जिसकी वजह से हम सारे ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे मानते नहीं है कि हम हिंदू थे, और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही तल्लुक है हमारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब के वाजह तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। तो क्या अपनी हिस्ट्री से भागकर एक चीज़ पर आंखों के आगे पट्टी बांधकर अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो बर्थ बाय बर्थ हमारी तो कास्ट सारी हम सैयद हैं, तो क्या इस चीज़ को सच छुपाने से कोई फ़ायदा होगा? देखें, जो है आप मुसलमान हैं, अभी आप कन्वर्ट हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपका ये फिर बिलीव है आपका कि आप अभी मुसलमान हैं। और आप जितने भी आप देखें ना, अगर अरब का देखें तो अरब भी पहले इग्नोरेंस मतलब पूरा एक अरब पेनिनसुला जो था वो एक जहालत के मतलब के कगार में डूबा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ आवरी हुई और वो सारा के सारा जो है वो कन्वर्ट हो गए, वो मतलब के इस्लाम जब आया तो वो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बैत की, और वो जो एक प्योर मतलब के प्योर और एक अच्छे जो मुसलमान कहलाते हैं वो उसमें चेंज हो गए। अच्छा, ये भारत कहलाया जाता था जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये सारा आपने हिस्ट्री पढ़ी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, तो ये सारा जब चेंज हुआ, ये सारा जब बंटवारा हुआ, इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था? बिल्कुल हिंदू राज था। तो कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब के रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हाँ, ओल्डेस्ट साल पुराना लग रहा है ये, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 साल कह सकते हैं आप, मुझे आइडिया नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट जो रिलीजन था वो हिंदुइज्म था। और सब कैसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट रिलीजन जो था वो हिंदू, बिकॉज ये मैंने कहीं कहीं मतलब पढ़ा है कि ये ओल्डेस्ट था मतलब के। अच्छा, इस सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में। अभी इससे पहले यहाँ पर मंदिर भी होंगे, वो सामने भी एक जैन मंदिर नजर आ रहा है, ज्यादा थे यहाँ मंदिर? हाँ, जब हिंदू रिलीजन था तो हर जगह मंदिर तो होने हैं, नॉर्मल सी बात। अभी हमारी एक मंदिर मस्जिद का जो बहस चल रही थी, जो बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई, दोबारा मंदिर बना दिया गया मस्जिद को, तो वहाँ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बताया कि भाई यहाँ पर पहले मंदिर था तो जो कि बाबर ने आके गिरा कर इसके ऊपर मस्जिद मंदिर बनाया, तो क्या कहेंगे कि इसके बारे में, तो आप क्या राय है? देखिए, वो तो चलो वो अलहदा से मैटर है, लेकिन ये जो अभी जो मोदी जी सरकार ने काम किया है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे राम टेंपल बनाया है जो भी उन्होंने बनाया, तो वो सरासर गलत है। ये मोदी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, मैं आपको क्लियर करता चाहूँ, जो ऑडियंस देख रही है वो भी, और जो हमारे लोग समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने किया, ये कतन नहीं हुआ, ये जो किया है लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च बिठाई, और ये मसला तकरीबन कोई बहुत पुराना मसला था, ये पाकिस्तान को आज़ाद होने के बाद से ये मसला शुरू हो गया था उस मस्जिद का, जो बाबरी मस्जिद का इशू। तो जब पता लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा, रिसर्चर बिठाए, उनमें से एक मुस्लिम भी था, और रिसर्च किया, पता लगा कि भाई यहाँ पर तो पिलर एक साइड पर मस्जिद का पूरा पिलर जो था वो मंदिर था, तो सर्च किया गया कि मंदिर था, तो आपको नहीं लगता कि जिसकी चीज़ है उसको देनी चाहिए? हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
बहुत बहुत धन्यवाद।